Hey guys, welcome back to our channel. In this video, we'll be doing the weekly analysis. What we do in these videos is we do the multi-time frame analysis for Nifty and Bank Nifty. We try to gauge the charts in monthly, weekly, daily, and the 15-minute time frame. Now, why do we do this? We do this to gain a sense of the larger time frame direction. And based on that direction, we'll try to take opportunities in the weekly expiry and sell options. So in this video, we'll start with Bank Nifty and then finally we'll finish with Nifty. Now, before I start my analysis, I'm just reminding you that we have a workshop coming up in 2 weeks. So if you're interested, you can sign up via the links given in the description below. So less than 2 weeks for that now. Okay, so let's get started with the Bank Nifty monthly time frame. Okay, firstly, now I have been telling you that whenever you get a breakout candle, the low of that breakout candle becomes extremely important, right? But we are not breaking the low on the monthly time frame. What does this tell us? This tells us that the last 2 months market has been trapped into the green candle leg range. Is this good? I think it's pretty good. See, why is this good for us? Because, you know, three candles have been trading in the same range now. Now, whenever we get a breakout from this range, either up or down, we can get a pretty swift move then. 5 days baki hai ye wala monthly candle jo hum bana rahe hai wo banne ke liye. So let's see, most probably like either it should be an inside candle. So most probably aise lagta raha hai ki inside candle hi banna chahiye ye ek aur. तो अगर ये क्लोज होता है मंथली कैंडल ऐसा तो हमारा दिसंबर जैन एंड फेब 3 मंथ जाएगी सेम रेंज में. सो इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है फिर. सो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है मैं बता देता हूँ आपको. एक डोजी टाइप दिख रहा है कैंडल. ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे ना उसका नीचे का रेंज है 46,317 एंड ऊपर का रेंज है 47,363. ये राइट साइड पे दिखेगा आपको चार्ट के. और जब भी आपको डोजी कैंडल मिलती है ना, ज्यादा कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है, दूजी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर देना है. नाउ ये हाई या लो जहां भी टूटेगा आपका ट्रेड वहां पे अलाइंड होना चाहिए. सो इफ इट ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड वी प्लान फॉर अ बेरिश वन इन बैंक निफ्टी. इफ इट ब्रेक्स ऑन द अपर साइड वी प्लान फॉर अ बुलिश ट्रेड इन बैंक निफ्टी. प्रीटी सिंपल. ओके, मंथली ऑल्सो सिंपल इनसाइड कैंडल था, वीकली सिंपल दूजी कैंडल है. सो दूजी कैंडल के ब्रेकआउट पे वी हैव टू ट्रेड. वन मोर पॉइंट ओके ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. ये बैंक निफ्टी का जो दोजी बनाया है उसने, राइट, पर निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हुआ है. आई शो यू अभी बैंक निफ्टी के बाद जब मैं निफ्टी करूंगा तब मैं बता दूंगा उसमें. पर सिंस निफ्टी का ऑल टाइम हाई के पास है चार्ट, सो अप मूव का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. सो अगर ये दोजी में ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है ये, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा खेलने. अब डेली चार्ट पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, इसका 1, 2, 3, 4, 5 इसका ब्रेकआउट मिल गया था हमको, राइट. सो एंड द ब्रेकआउट के नीचे वी विल बी वेटिंग फॉर इट कि उसके नीचे आता है कि नहीं, राइट. बट तब तक के लिए आई टोल्ड यू ये जो दो कैंडल्स है इन कैंडल्स के अंदर ट्रेड करने का चांसेस आर वेरी हाई. सो वी हैव टू वेट कि यहाँ ऊपर की तरफ टूटेगा या नीचे की तरफ टूटेगा, राइट. सो वहां पे अलाइन करेंगे ट्रेड्स को. अगर ये नीचे की तरफ आता है तो अंटिल दिस 46,200 का लेवल स्टिल फॉर अस एटलीस्ट इट्स गोना बी बाय ऑन डिप. तो वहां पे अगर नीचे भी आता है तो वी विल ट्राई टू ट्रेड इट बाय ऑन डिप लाइक व्यू एंड उसके नीचे देन गड़बड़ हो जाएगी फिर. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो गया है. मार्केट ने यहाँ से स्विंग लगाया है ऊपर से और नीचे से यहाँ पे स्विंग लगाया है. नीचे का रेंज है 46,400 का लेवल. ओके, ये जोन से घुमा है और ऊपर में 47,300 से पलटा है वो, राइट. सो नाउ वी आर वेटिंग. देखो ये रेंज के बीच में नीचे का मूव भी आ रहा है, ऊपर का मूव भी आ रहा है, राइट. सो इसको zigzag करने दो इसका. तो जब ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा देन वी विल प्लान समथिंग इन बैंक निफ्टी. ओके, सो नॉट टू मच ऑफ अ व्यू इनसाइड दिस रेंज, आउटसाइड दिस रेंज वी विल फॉर्म अ व्यू. ओके, सो टू समराइज बैंक निफ्टी, सबसे पहले आई टोल्ड यू मंथली टाइम फ्रेम पे लाइक वी आर गेटिंग एन इनसाइड कैंडल. नाउ वेर एवर द इनसाइड कैंडल ब्रेक्स आउट वी विल बी टेकिंग अ ट्रेड अप और डाउन. ओके, वीकली टाइम फ्रेम वी हैव गॉटन अ दोजी. नाउ दोजी मींस इनडिसिजन. इनडिसिजन मींस द ट्रेडर्स आर नॉट श्योर व्हेदर मार्केट शुड गो अप और डाउन. व्हाट यू शुड डू, यू शुड टेक अ अप ब्रेकआउट का ट्रेड हियर और अ डाउनसाइड का ट्रेड हियर. सेम थिंग ऑन द डेली चार्ट वी आर सीइंग. ओके, दिस रेंज वी नीड अ अप और डाउन क्लोजिंग एंड 15 मिनट्स आई टोल्ड यू नॉट टू फॉर्म अ व्यू इन दिस. सो दैट वाज द समरी फॉर इंग्लिश ऑडियंस इन बैंक निफ्टी. नाउ लेट्स लुक एट द मंथली टाइम फ्रेम इन निफ्टी. सो इन निफ्टी वी गॉट अ ब्रेकआउट इन दिसंबर. Okay, after that we had a pause and now we've taken out the high of that previous week as well, right? So Nifty ka probability of an up move has significantly gone up. Now on the weekly time frame in Nifty, we've gotten a candle which has closed above the previous resistances, right? But the current candle, it's given a wick on the upside. Okay,
सो द सेफर थिंग टू डू इन निफ्टी वुड बी इसके ऊपर जाने दो, जब इसके ऊपर जाने लगेगा ना डेली चार्ट पर, उसके बाद यू बाय अगेन. सो हाई के ऑल टाइम हाई पे बाय करना है. इफ इट टेक्स आउट द हाई ऑफ दिस कैंडल देन द अपसाइड मोमेंटम कैन कंटिन्यू. डेली चार्ट पे ये काफी अच्छी कैंडल थी, पिन बार सॉर्ट ऑफ अ कैंडल, बट ये कैंडल नीचे की तरफ बनती है ना, जब जब मार्केट नीचे आता है और फिर ये बनती है, तो इट्स प्रीटी पावरफुल. सो लेट्स सी इन निफ्टी में व्हाट हैपेंस. द व्यू इज बुलिश ओनली, बट वील बी वेटिंग फॉर ये जो लास्ट का जो दिन था ना हमारा फ्राइडे का डे, उसका हाई निकलने के बाद वी आर सस्पेक्टिंग द अपसाइड मूवमेंट टू कंटिन्यू. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे व्हाट आई सी, आई शो यू. See this small rectangular zone, right? Now after the, we've gotten the rectangle, okay, what do we want? We want the market to give a breakout on the upside especially, okay? Downside also you can plan, but maybe the targets can be smaller. So I personally would look for a bullish view here. And how will I trade the bullish move? I'll have to wait for a 15 minute candle closing above this rectangular resistance, okay? Iske upar jab niklega, then you can plan for another 200 point move in Nifty at least on the upside. And you know, you guys will be seeing much more of me. Most probably you'll be seeing only me in the next 2 weeks on YouTube. I'll just be releasing one video of Nikita tomorrow after editing it, okay? Don't be stingy, okay, with the likes. Please hit the like button, because we are trying our best to give you the analysis which we trade on, and also decipher like who's winning, either a buyer is winning or a seller is winning, based on which you can align your trades, okay? So please hit the like button. Let's keep the target for this video 350. And if that's achieved, we'll plan for more learning videos. And next week, what I'll try to do, next week, most probably I'll try to record a video on iCharts first for you. iCharts is a superb tool. I'll tell you what we like about it and what we look at. And the next video which we'll do on it will be based on the comment section. Comment section mein jo bhi bolega humko, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस टॉपिक पर है, उस टॉपिक पे विल मेक अ वीडियो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड आई विल सी यू ऑन मंडे.